मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोंडागांव के केशकाल में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि ये इलाका तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला क्षेत्र है। हमने तेंदुपत्ता 5,500 रुपए मानक बोरा देने की घोषणा पूर्व में की थी। शनिवार से 90 विधानसभा में बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को आपको सांसद चुनना है। अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है। प्रदेश का इंजन ठीक हो गया है, अब देश के इंजन को ठीक करना है और डबल इंजन वाली सरकार बनानी है। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाए हैं, तो ये 3 महीना में 100 दिन में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है उसको भी उनको याद दिलाइए। कई लोग ताजुब कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार 100 दिन में इतना काम कर चुकी है। आज मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने वादा किया था कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। भूपेश बघेल की सरकार गरीबों का हक छीना, जिनका मकान अधूरा था वो अधूरा का अधूरा रह गया, अगला किस्त उनको नहीं मिला, तो बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भूपेश बघेल ने किया और उसका फल भी उनको मिल गया, वो सरकार से बाहर हो गए। आज 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। 2 साल का बकाया बोनस दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया किसान भूल गए थे कि ये पैसा भी हम लोगों को मिलेगा, और इसका वादा कांग्रेस पार्टी भी अपने 36 वादा में किया था, लेकिन 5 साल सरकार में काम करने का उनको अवसर मिला लेकिन उनको बकाया बोनस याद नहीं आया। और हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम लोग 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे, इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे। और हम लोगों का वादा था कि जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग किसान भी हैं, 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। सभी किसानों को अंतर की राशि मिल चुका है। यहाँ पर माताएं बहने भारी संख्या में हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देंगे, और 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, उस दिन वो बनारस से वर्चुअली जुड़े थे और हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया 1 महीने का देने का काम किया। अब मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने का आप लोगों को पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 1 तारीख की बात कर रहे थे लेकिन 1 तारीख को क्या है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और उसके दूसरे दिन छुट्टी हो जाता है, तो 1 अप्रैल छुट्टी हो जाएगा, इसलिए 1 तारीख को बैंक वैंक भी बंद रहेगा, हम लोग भेज नहीं पाएंगे, लेकिन 2-3 तारीख को आप लोगों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1 महीना का पैसा और चला जाएगा। तेंदुपत्ता जो हमारे बनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, और 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा में खरीदी करेंगे, इसकी भी घोषणा सरकार कर चुकी है। और हमारी गरीब माताएं बहने तेंदुपत्ता तोड़ने जाती हैं गर्मी के दिन में, उनके पैरों में कांटा खूंटी गड़ता है, कई लोग चप्पल जूता भी नहीं खरीद पाते हैं, तो चरण पादुका योजना भी फिर से चालू करेंगे। रामलला दर्शन योजना आप लोगों को मालूम होगा, इसकी भी शुरुआत सरकार कर चुकी है। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जितने भी राम भक्त थे छत्तीसगढ़ के, उनको सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे, और वो कार्यक्रम भी हम लोगों का शुरू हो चुका है।